मध्य प्रदेश के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने मध्य प्रदेश सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब सरकार के पास खर्च करने के लिए पहले ही राशि मौजूद है तो अनुपूरक बजट क्यों लाया जा रहा है। इधर विपक्ष के सवालों पर जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि कांग्रेस को तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए और बीजेपी की वित्तीय नीतियां पारदर्शी होती है। मैं आपको एक मोटे अनुमान से बता दूं, जो 36% है वो लगभग जितना ये अनुपूरक बजट ला रहे हैं, 28,000 करोड़ के समथिंग ला रहे हैं, उसका 5 गुना अभी बकाया है। तो जब आपके पास 5 गुना राशि है उधार ली हुई खर्च करने के लिए शेष है, तो आप अनुपूरक बजट ला क्यों रहे हैं? मैंने ये भी पूछा, उसका कोई उत्तर नहीं था। फिर मैंने ये पूछा, चलो आप बजट कर्ज ले रहे हैं, कर्ज को चुकाने की कोई योजना है तो वो बताइए, इसको रीपे कैसे करोगे? उसकी कोई योजना नहीं थी, कोई उत्तर नहीं दिया। कुल मिलाकर के पूरी सरकार की कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, कोई बैकबोन नहीं है, सिर्फ कर्ज लेने की कसम खा रखी है। अनाप शनाप जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर ये लोगों को कर्ज लेना है और उसकी कोई प्लानिंग नहीं है कि उसको क्षेत्र में कैसे लगाना है, प्रदेश का कैसे विकास करना है। और पूरा का पूरा जो बजट था वो सिर्फ मालवा उज्जैन तरफ फोकस था। मैंने सदन में भी इंटरप्ट किया था कि चुटकी लेने के लिए तो आप ले सकते हो, लेकिन तथ्यों की बात कांग्रेस को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का वित्तीय प्रबंधन सदैव पारदर्शी रहा है, राज्य के और भविष्य के हित में रहा है, और इसलिए मैं वित्त मंत्री जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, और चूंकि वो पारित हुआ है इसलिए सदन का भी आभार व्यक्त करता हूं। मोदी जी का स्लोगन बड़ा साफ है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो भी हमारी प्रतिभाएं रही हैं, जिनने इस देश के निर्माण में योगदान किया है, कांग्रेस ने भले उस आधार पर कभी भेदभाव किया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में, जो काम उनने किया है मुझे लगता है देश का हर वर्ग सराहेगा।